यवतमाल जिले के दीगरा शहर के मोतीनगर में सालों से प्रलंबित निवासी अतिक्रमण धारकों के नाम लीज पट्टे नियमित कराने और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर नगरपालिका प्रशासन, नगर सेवक और राजनीतिक विरोधियों के बीच अलग अलग राय निकल कर सामने आ रही है। यह दीगरा शहर का मोतीनगर परिसर है। यहाँ बीते कई सालों से निवासी अतिक्रमण धारकों के लीज पट्टों का मुद्दा अधर में लटका हुआ है। ऐसे में हाल ही में एक बार फिर नगरपालिका प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को नगर विकास विभाग के सरकारी निर्णय के तहत प्राप्त सूचना का हवाला देते हुए 2011 से पहले यहाँ रह रहे निवासी अतिक्रमण धारकों के लिए लीज पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इसके लिए हाल ही में अनाउंसमेंट कर लोगों को आवेदन के साथ जरूरी कागजात निर्माण कार्य यानी बांधकाम विभाग में जमा करने की अपील की गई है। याबाबत वस्तुस्थिति अशी आहे की देवनगर, मोतीनगर, शिवापूर आणि इतर ज्या ठिकाणी सरकारी अतिक्रमण 2011 पूर्वीची आहे त्याबाबत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्याकरता ही सर्व अतिक्रमण विहित कार्यपद्धती पूर्ण करून त्यांना देण्यात येणार आहेत। आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण देवनगरचे 221 लाभार्थ्यांचे प्रकरण जे आहे ती 3 सदस्यीय समितीकडे मंजूर केलेली आहे आणि त्याबाबत पैसेसुद्धा लाभार्थ्यांनी भरलेले आहे आणि आठवडाभरामध्ये त्यांचे लीज पट्टे वाटप करण्यात येतील। मोतीनगरची पण मोजणी पूर्ण झालेली आहे, त्याची मोजणी शीट पण मिळालेली आहे, तर त्यांची सर्व प्रकरणं आता मंजुरीसाठी SDO साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमोर ठेवण्यात येतील आणि त्याचप्रमाणे इतर ज्या ठिकाणी मोजणी राहिलेली आहे ते पण या वर्षभरामध्ये सर्व प्रकरण लीज पट्ट्याचे निकाली काढण्यात येतील। लीज पट्टों का मुद्दा सालों से प्रलंबित होने से इसके हल और इसकी योजना के लाभ को लेकर न सिर्फ कई लोगों में उलझन है बल्कि विरोधी भी इस पर कहीं न कहीं संदेह जता रहे हैं। ऐसे में इस कथित उलझन पर स्थानीय नगर सेवक सैयद अकरम ने अपनी स्पष्ट राय सामने रखी है। एक्चुअल हालात अगर देखे जाए तो ये 4 साल से मामला इस पर मेहनत कर रहा था मैं और मेरे साथी लोग। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक GR निकाली है जिसके तहत शहर के तमाम अतिक्रमण नियमित करना और उस नियमितीकरण करने के बाद में उस पर घरकुल के लिए मंजूरात लेना। मुझे खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र शासन ने दिग्रस शहर में जिस जद्दोजहद से काम शुरू किया हमारे नगर पालिका ने उस पर मेहनत की, भूमि अभिलेख कार्यालय के अधिकारियों ने देवनगर, मोतीनगर, शिवापुर, भीमनगर को लीज पट्टे देने की कोशिश की और उन्हें मोजनी यादी और मोजनी पत्र देकर नगर पालिका को सबमिट किया। नगर पालिका ने बाकायदा अधिकृत सूचना देकर अतिक्रमण धारकों से अप्लाई बुलाया। उसके बाद 3 सदस्यीय समिति जिसमें SDO साहब है, जिसमें नगरपालिका के मुख्य अधिकारी साहब है और जिसमें भूमि अभिलेख कार्यालय के अधिकारी हैं, ये तीनों मिलकर तय करेंगे लीज पट्टे और घरकुल के लाभार्थी। अब इसमें संभ्रम की स्थिति कहाँ है मुझे तो पता नहीं। अब विरोधी जो अफवाह कह रहे हैं, मैं विरोधी के बारे में क्या कह सकता हूँ। जिन्हें लीज पट्टे मिल रहे हैं शासन के जानिब से और जिन्हें घरकुल मंजूर किया जा रहा है शासन के जानिब से, मैं उन्हें ये बात बता दूँ क्या लीज पट्टे भरते वक्त में जो फॉर्म है वो फॉर्म अधिकृत नगरपालिका में भी है, चौधरी टाइपिंग जेरोक्स में भी है, मेरे घर पर भी है और उसमें घर टैक्स की जेरोक्स कॉपी चाहिए जो पुरानी भी चलती है और असिस्मेंट की नकल चाहिए जो नहीं चाहिए। लेकिन अगर असिस्मेंट के फॉर्म भरते वक्त अगर हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने आपसे अगर टैक्स जोर जबरदस्ती मांगा, आपको जोर जबरदस्ती टैक्स चाहे नल का हो चाहे घर का हो भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप भरना चाहते हैं ये आपकी इस विषय में पूर्व नगर सेवक तथा पूर्व उपनगराध्यक्ष डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि वैसे तो लीज पट्टों का GR 2016 के पहले का है और इस योजना को अमल में लाने के लिए पहले भी कई जनप्रतिनिधियों ने अपना योगदान दिया है। ये जो लीज पट्टे है ये होने चाहिए और ये हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपनी रोटी पर बोटी अगर सेकना चाहते हैं तो ये बात गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट का GR 2014 और 2015 का है कि अगर सबको लीज पट्टी दिया जाए और कुछ लोग 2016 में चुन कर आए
अब 2016 के बाद को तो एक कॉपीराइट ही चोरी ना, गवर्नमेंट ने 2014-15 में डिक्लेयर ही कर दी थी। और इसके पहले के जो लोग हैं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी, ऐसी नहीं कि मैं नहीं मेहनत करी होगी। अब मरहूम अब्दुल वाहाब पलानकरने से लेकर तो माजी उपाध्यक्ष और डॉक्टर मुश्ताक प्यार मोहम्मद शेख, इन्होंने गोलियां नहीं खेले, इन्होंने भी माशाल्लाह पूरी मेहनत करे। ये मेहनत के फल सदी की वजह से ये 2014-15 में शासन ने इसको एकदम क्लियर कर दिया कि भाई जीआरई कर दी। 16 का तो विषय नहीं है, चुनाव कुछ लोग बोलते मेहनत है तो 2016 का हुआ, और 2016 के पहले तो जीआर, 2016 के बाद तो जीआर निकलेगी कि भाई चलो मैंने 2016 में मेहनत कराऊंगा, फिर 2017-18 में अगर उसका जीआर निकलाऊंगा तो मैं सही मानूंगा, लेकिन जीआर की समझा जाएगा। इसी तरह मोतीनगर की राजनीति में सक्रिय युवा मोहम्मद मोइन ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए इस संदर्भ में जारी प्रक्रिया को सही तो बताया, लेकिन उनके मुताबिक इस बारे में दिए जा रहे कथित आश्वासन केवल चुनावी स्टंट है। मेरा मोतीनगर के लिस्ट पट्टी के बारे में ये कहना है कि 2014 के पहले जो भारत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने एक प्रचार सभा में कहा था कि भाई मैं भारत देश में काला धन वापस लेकर आऊँगा, और वो काला धन भारतीय नागरिकों के, गरीब लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। तो आज तक के वो 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए नहीं। और इसी के ऊपर एबीपी न्यूज में भारत देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, इनको एक पत्रकार ने सवाल किया था कि भाई क्या जो आपने वादा किए थे कि वह 15 लाख रुपए भारतीय नागरिक के खाते में आप डालेंगे, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि भाई एक ये राजकीय स्टंट है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मोतीनगर का लिस्ट पट्टे के ऊपर अभी जो चालू है, ये इसका सिर्फ अभी प्रोसेस चालू है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि मैंने खुद जो अपने डिग्रस मतदार संघ के माननीय आमदार है संजू गौ राठौड़, इनको मैंने 14/3/2015 को मोतीनगर के लिस्ट पट्टे के बारे में पूरा तैयार करके दिया था। तो आप समझो इसको छः साल हो गए तो ये अभी तक के हुआ नहीं। तो मेरा यही कहना है जब तक के हमारे हाथ में लिस्ट पट्टे आती नहीं मोतीनगर वासियों के हाथ में, तो हम इसी को राजकीय स्टंट ही। बहरहाल आगामी नगर पालिका चुनाव सर पर है, ऐसे में लीज पट्टों के मुद्दे को लेकर सियासी रोध प्रतिरोध का खुलकर सामने आना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस राजनीतिक मतभेदों के बीच लीज पट्टों के अधिकृत प्रयास और प्रक्रिया को सकारात्मक तरीके से गति देना समय की मांग है, वरना कहीं किसी के आधे अधूरे आश्वासनों से या फिर किसी के दुष्प्रचार से मोतीनगर की जनता को भविष्य में इसका खामियाजा न उठाना पड़े। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।